नमस्कार। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस समय जनपद की दोनों नदियां उफान पर है, इससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सूखे के नाम से पहचान बना बुंदेलखंड आज चारों तरफ पानी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। हजारों लोगों के घरों को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। लोग अपना घर छोड़ सड़कों में आ बसे हैं। जनपद हमीरपुर में बाढ़ से प्रभावित गांव में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के उद्देश्य से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर का हवाई सर्वेक्षण किया था और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का वादा किया था। वहीं हमीरपुर के प्रशासन को जब मुख्यमंत्री जी का आगमन होने की सूचना मिली तब प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और हमीरपुर के आला अधिकारी बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लग गए। जहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाई गई थी वहाँ लाइट से लेकर टीवी तक की प्रशासन ने व्यवस्था की थी। यहाँ तक कि जो अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते थे वो भी लोगों की सेवा में लगे दिखा दिए। बच्चों के दूध से लेकर जानवरों के चारे तक की व्यवस्था की गई और लोगों को खूब अच्छा अच्छा भोजन दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं कोई मुख्यमंत्री जी के सामने हमीरपुर प्रशासन का रवैया ना बता दे। मुख्यमंत्री के आने के कुछ घंटे पहले ही टिकरौली के पास लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन का विरोध किया। जैसे ही हमीरपुर प्रशासन को इसकी खबर पड़ी आनंद फानन में आला अधिकारी वहां पहुंचकर लोगों को समझा बुझा कर सड़क का जाम खुलवाया। मुख्यमंत्री आए और हमीरपुर का हवाई सर्वेक्षण कर तहसील में कुछ बाढ़ पीड़ितों से मिलकर चले गए और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद यहां पर चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की है। हमीरपुर में बाढ़ का मुख्य कारण यमुना जी में और बेतवा नदी में भारी पैमाने पर जल छोड़ने के कारण हुआ है। यमुना जी में जो पानी आया है चंबल कोटा डैम राजस्थान से और बेतवा में माता किला से काफी बड़ी मात्रा में जल छोड़ने के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हुई है। लगभग 90 गांव इसकी चपेट में आए हैं। स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन ने SDRF और PAC की फ्लड यूनिट बचाव और राहत कार्य के साथ जुटी हुई है। पर्याप्त मात्रा में राहत पैकेट और फूड पैकेट प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हर प्रभावित गांव में नौका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन की व्यवस्था भी हर एक जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आपदा राहत निधि से पहले से ही हर एक जिला को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है जिसके माध्यम से उन सभी पीड़ित परिवारों को जो बाढ़ से या किसी भी आपदा से प्रभावित हैं उन्हें राहत सामग्री जिसमें 10 किलो चावल 10 किलो आटा 2 किलो दाल 10 किलो आलू सूखा में चना भुजा तेल मसाले नमक मोमबत्ती केरोसिन आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और यह वितरण भी प्रारंभ हो चुका है। बचाव और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने जिन गांवों में बाढ़ का पानी चूंकि तेजी के साथ नीचे अब जल घट रहा है तो वहां पर डायरिया आदि से बचाव के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन पहले से इसके प्रति अलर्ट है। एक आपदा है, सभी पीड़ित परिवारों के प्रति
हमारी पूरी संवेदना है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की अलर्टनेस के कारण किसी प्रकार की जनहानि पशुहानि अब तक नहीं हो पाई है। बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं और समय से सबको राहत मिले। सिंचाई विभाग से कहा गया है कि वह इस बात को देखें कि हर दूसरे तीसरे वर्ष यमुना नदी के कारण और बेतवा नदी के कारण हमीरपुर बाढ़ से प्रभावित होता है, इसका स्थायी समाधान का भी एक ठोस प्लान आगे बढ़ाना चाहिए। आज मैं इसीलिए इन सब कार्यों का समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था। प्रशासन और पुलिस के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बचाव और राहत कार्यों की पूरी समीक्षा यहाँ पर की है, जो संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हमीरपुर के जो 90 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं इनको राहत मिलेगी और सामान्य जीवन यहां पर बहाल करने में मदद मिल जाएगी। धन्यवाद। लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही हमीरपुर प्रशासन का फिर से ढीला रवैया शुरू हो गया है, मानो अधिकारियों को आपदा का अवसर ही मिल गया हो। वहीं आज कुछ ग्रामीणों ने तहसील में आकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने बताया कि उन तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंच रही है। बच्चे से लेकर बड़े तक कई दिनों से भूखे हैं, ना पीने का पानी है ना ही खाने को भोजन है। अधिकारी से कई बार ये बात कही गई लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुंची। क्या समस्या, कहाँ के रहने वाले हैं? हम टिग्गी के रहने वाले हैं। हमारा नाम समस्या हमारी है कि हमारे घर मकान में पानी भर गया है। खाने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। घर पर के जो बने उनसे जरा भी आ जाइए, कैसे जैसे राशन मिलेगा। हम यहाँ दिन भर अल्लाह प्रशासन के हेल्प बैठे, ना कोई यात्री, ना कोई कलेक्टर, ना कोई देखने का दुकान बंद करा क्या है। कोई ना देखने का कोई समस्या नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, चार बच्चे यहाँ पर तहसील में आकर बैठा दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई आज तक हमको अनुदान में कोई 30 बार पीरियड में आज तक हमको कोई सहयोग नहीं मिला। सहयोग हम 3 दिन से बराबर मांग रहे। अपने जानवर, सब अपने जानवर रोड रोड पे बताते कि अपने बच्चे नन्हे मुन्ने लेकर के विदित किया। हमने विदित करने के बाद आज तक ना चेयरमैन पहुँचा, ना लेखपाल पहुँचे, ना सभासद कोई पहुँचा, कोई व्यवस्था। मिशन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। तेलता रेलवे स्टेशन के नजदीक एक अज्ञात वृद्ध महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना के बाद महिला के जिस्म के इतने टुकड़े हो गए कि लोग इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। दूर से देख रहे प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि एक अधेड़ उम्र की महिला रेल लाइन पार कर रही थी, लेकिन उसकी पैर रेल लाइन में फंस गई और तुरंत ही एक ट्रेन ऐसे रेल ट्रैक से गुजरी जिससे अधेड़ महिला के जिस्म की परचक्की उड़ाते चले गए। मिशन न्यूज के लिए बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट। मिशन न्यूज के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए मिशन न्यूज। नमस्कार।